और इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है कि कल बड़ी संख्या में फर्जी आई कार्ड मिले हैं यूनिवर्सिटी से। बाहरी लोगों की घुसपैठ की बात जामिया प्रॉक्टर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 750 फर्जी आई कार्ड मिले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। नो, एवरीबॉडी इज अलाउड, एवरीबॉडी इज अलाउड टू कम, एक्सेप्ट के आई कार्ड होल्डर्स बहुत सारे जो बाहर से आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग फेक आई कार्ड्स। वी हैव गॉट 750 फेक आई कार्ड्स। तो हमारा क्या, हमारा 750 आई कार्ड्स, आपने न्यूज भी पढ़ी होगी। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, कल भी ये कहा जा रहा था कि ये बाहरी लोग हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन आज यूनिवर्सिटी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि घुसपैठ हुई है बाहरी लोगों की, उन्होंने घुसने की कोशिश की और 750 फर्जी आई कार्ड पाए गए। देखिए, निश्चित तौर पर एक जो वीसी है नजमा अख्तर, इनके तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि 750 फर्जी आई कार्ड बरामद किए पिछले 3 महीनों के अंदर। यानी इसकी प्लानिंग पिछले काफी दिनों से चल रही थी, जिसके जरिए इतनी संख्या में ये छात्र यहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं और उनकी तलाशी हुई और 3 महीनों के अंदर 750 फर्जी आई कार्ड मिले। तो क्या इसकी शिकायत पुलिस में की गई कि नहीं, अगर की गई है तो क्या पुलिस उसने पूरे मामले में क्या जांच की है, ये तमाम इसके बाद भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि 750 फर्जी आई कार्ड मिलना एक बड़ा सवाल है और 3 महीने से इसकी प्लानिंग चल रही है। 3 महीने से जो बाहरी लोग हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट पे आ रहे थे, और कल जो उग्र प्रदर्शन हुआ उसमें भी पुलिस की तरफ से भी और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो छात्र हैं, उनके तरफ से भी कहा गया कि बाहरी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो कहने की पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं एक साजिश जरूर नजर आती है, और जिसके वजह से पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। स्टूडेंट के बीच में अगर बाहरी लोग आते हैं तो क्या इसकी शिकायत पुलिस की तरफ से की गई नहीं, इसका भी जवाब हम पुलिस से लेने की कोशिश करेंगे। क्या उनके पास इस तरह की कोई शिकायत जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से दी गई है या नहीं। ठीक है राजू राज, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस खबर पर अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।